this mass per unit length into length is this dm. मैं इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, dm रो नॉट की जगह यह एक्सप्रेशन रो नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डीएक्स, दिस इज द डीएम. नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन टोटल मास, टोटल मास डिटरमाइन करने के लिए मैं कहता हूं इंटीग्रल डीएम इज टोटल मास, इंटीग्रल ऑफ रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स. हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो रो नॉट एक कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल साइन के बाहर ले जाएंगे. यह इंटीग्रल साइन के बाहर दिखने लगेगा और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करते समय इंटीग्रेशन के साथ हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी चाहिए कि हमें कहां से कहां तक एडिशन करना है. हम एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, x square dx को, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है. हम जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह x equal to 0 पर लेंगे और जो सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह x equal to L पर लेंगे. तो हमारी लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की है 0 और हमारी अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की L. अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रल, इसे करने के लिए मैं यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x टू द पावर n dx यह फॉर्मूला लगा देता हूं और इधर लिख देता हूं रो नॉट अपॉन l स्क्वायर और इधर x क्यूब अपॉन 3 और यह 0 टू l. इंटीग्रेट करने के बाद मैं जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इस तरह से डबल बार लगा के पीछे लिख देता हूं. अब मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूं. लिमिट्स अप्लाई करना मतलब इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया है इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस द लोअर लिमिट, इस तरह से रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3. एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा मास आ जाएगा रो नॉट एल बाय 3 जो हमने नॉन यूनिफॉर्म रॉड ली है उसका मास है रो नॉट एल बाय 3. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट जो है जिसमें हमने पूछा है इट्स अ सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए वंस अगेन जो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमने जो लिख रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. एक्स डीएम, डीएम की जगह पर यह और इसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डीएक्स होल अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम पहले ही हमने निकाल रखा है इट्स रो नॉट एल अपॉन 3. इंटीग्रल ऑफ डीएम इज टोटल मास, ये हमने पहले निकाल दिया रो नॉट एल बाय 3, वह ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस तरह से हमारे पास यह एक्सप्रेशन बन गया रो नॉट जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर के रो नॉट से कैंसिल हो जाएगा. एल स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर के एल से कैंसिल हो जाएगा और अब जो अंदर बचा हुआ दिखेगा इंटीग्रल साइन के बाहर ये जो डिनोमिनेटर का 3 है जो ऊपर चला गया रो नॉट कैंसिल एल कैंसिल डिनोमिनेटर में एक एल इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स और इस बार वंस अगेन x की जो लिमिट्स रखूंगा मैं वह 0 टू l. इन दिस मैनर आई विल राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज
थ्री अपॉन एल, तो ऐसा क्या सही, एक्स क्यूब डी एक्स इसका इंटीग्रल करना है। वंस अगेन फॉर्मूला लगा के एक्स टू दी पावर 4/4 फ्रॉम 0 to L, और 3/L L to the power 4/4 minus 0 to the power 4/4, and it comes out to be, sorry, इधर L cube लिखना है मुझको, L cube, L cube, L cube, here also L cube, and finally x coordinate of center of mass comes out to be 3L upon 4. This is the x coordinate of center of mass of this non-uniform linear continuous mass system. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। इस जगह पर मैंने प्रॉब्लम का पार्ट वन करा है और इस जगह पर मैंने प्रॉब्लम का पार्ट टू करा है। पहले मैंने उसका मास डिटरमाइन करा और फिर मैंने उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करा। मास डिटरमाइन करने के लिए डीएम लिखा और इंटीग्रल डीएम को टोटल मास लिख दिया। उसको सॉल्व करने का तरीका है कि किस स्टेप देखें, फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने फॉर्मूला अभी भी लिखा है उसी को अप्लाई करा। उसको अप्लाई कैसे करा, सॉल्व कैसे करा, इस बात को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, नोट इट डाउन थॉरली। इसके बाद मैं समझाऊंगा प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। यह एल क्यूब इस स्टेप में इधर एल क्यूब आ रहा, इधर एल स्क्वायर इंटू एल इधर एल क्यूब आएगा और फिर आगे। ठीक है, ध्यान से देखो, लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम समझने के बाद नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। देखिए अभी तक आते आते थोड़ा एक आइडिया डेवलप होते जाना चाहिए और यह भी समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली द कंसेप्ट वुड बी एनालॉगस, द इक्वेशंस वुड बी एनालॉगस। सबसे पहले तो मैं प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम ड्रॉ करता हूं, किसी भी तरह का हो सकता है वह, मैं एक रैंडम तरीके से भी ड्रॉ करता हूं। प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, like this is xy plane and we have got a mass distributed on this xy plane. यह कोई xy plane है और इस xy plane पर यह mass distributed है। Now since the mass is distributed on xy plane, hence it's a planar mass system. And it's continuously distributed on xy plane. Hence, it's a planar continuous mass system. इसका हमें center of mass locate करना है और center of mass के लिए equations लिखें। एक बात पक्का है, center of mass भी xy plane पर ही कहीं लाए करेगा और उस center of mass का हमें x coordinate भी determine करना होगा और y कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन करना होगा। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली दो अलग अलग इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेंगे और y एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट डिटरमाइन करेंगे और उसे फिर हम पॉइंट मास के मोमेंट से इक्वेट करेंगे। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एक्स कोऑर्डिनेट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वाई कोऑर्डिनेट, वी विल टेक एक्स एक्सिस एज द रेफरेंस एक्सिस एंड वी विल डिटरमाइन मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। मैं इक्वेशन लिखता हूं, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें जब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है तो उसके लिए
सर्कमफ्रेंस इज y एक्सिस। अब हम करते क्या है, हम डिफरेंशियल मास लेते हैं। डिफरेंशियल मास लेने का तरीका क्या होता है, वी विल चूज डिफरेंशियल मास पैरेलल टू y एक्सिस। हम y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से यह हमने डिफरेंशियल मास ले लिया। दिस एलिमेंट, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसकी y एक्सिस से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू x, और इसकी जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू dx, इसका जो मास है दैट इज dm। नाउ व्हाट वी डू फॉर दिस डिफरेंशियल मास, दिस dm इज द डिफरेंशियल मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, वी टेक इट्स मोमेंट अबाउट y एक्सिस। हम इसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेते हैं। इट्स मोमेंट अबाउट y एक्सिस वुड बी dm इनटू x। dm इज इट्स मास एंड x इज इट्स डिस्टेंस। मास इनटू डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ दिस डिफरेंशियल मास। नाउ वी डिटरमाइन टोटल मोमेंट। टोटल मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ दिस मास अबाउट y एक्सिस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास बनाएंगे। इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास यदि हम बनाते हैं और उसको कहीं इधर रखते हैं, तो उस पॉइंट मास का टोटल मास होएगा इंटीग्रल डीएम, और इस टोटल मास को हमने किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर रख दिया, तो उस पॉइंट मास का जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है उसका मोमेंट होएगा इंटीग्रल डीएम इनटू एक्स। अब पूरे मास सिस्टम का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट और पॉइंट मास का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट, यदि यह दोनों बराबर हो जाते हैं इफ द मोमेंट ऑफ मास सिस्टम इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ पॉइंट मास, दिस वुड बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास। इन द सिमिलर मैनर आई विल डिटरमाइन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह से फॉर y coordinate of center of mass, reference is x-axis. अब हम reference x-axis लेंगे। x-axis को reference लेकर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें differential mass choose करना होगा। differential mass कैसे choose करेंगे, इस बार हम differential mass x-axis के parallel लेंगे। इस तरह से हम एक दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं और दूसरी इक्वेशन के द्वारा हम सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए अब हमें डिफरेंशियल मास को चूज करने का तरीका भी बदलना होगा। अब हमने जो डिफरेंशियल मास चूज करना है इट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम इस तरह से एक डिफरेंशियल मास चूज करेंगे। नाउ दिस डिफरेंशियल मास इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी वाई एक्सिस से जो दूरी है दिस, इसकी एक्स एक्सिस से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू वाई, और इसकी जो विड्थ है दिस विड्थ, दिस विड्थ इज dy, इसका मास dm है। इस तरीके से हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। अब हम क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंशियल मास dm है व्हाट इज इट्स मोमेंट अबाउट x एक्सिस।
its moment about x axis is dm into y. Dm into y is its moment about x axis. Now, what is its total moment about x axis? In order to determine total moment, I integrate it. This is total moment of mass system about x axis. अब हम क्या करेंगे? हम इसे once again एक point mass बनाएंगे, और point mass यदि हमने इसे बनाया तो उस पॉइंट मास का मास होएगा इंटीग्रल डीएम, और इसे हम किसी वाई कोऑर्डिनेट पर रखेंगे, किसी पॉइंट पर रखेंगे जिसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट है, तो उस पॉइंट मास का एक्स एक्सिस के अबाउट अब जो मोमेंट बनेगा दैट इज इट्स मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल टू वाई, मास इनटू वाई दिस इज मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस. Now, if the moment of point mass is equal to moment of mass system, in that case, this would be termed as center of mass. इस तरीके से हमने y coordinate of center of mass के लिए equation लिख दी, और अब हम finally x coordinate of center of mass लिख देते हैं. It's integral of x dm upon integral of and y coordinate of center of mass is equal to integral of y dm upon integral of dm. इसे denominator में ले आऊं और इधर भी dm को denominator में ले आऊं. Equation बिल्कुल similar type की ही बनी है. Integral x dm को मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ मास, अबाउट वाई एक्सिस अपॉन टोटल मास, और इंटीग्रल वाई डीएम को मैं लिखता हूं टोटल मोमेंट of mass about x axis upon total mass. इस तरीके से हम planar continuous mass system के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट दोनों के लिए इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे. दे आर सिमिलर एनालॉगस इक्वेशन. अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक तरफ है. जनरली हमें किसी भी प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो हमें दिया जाता है उसके लिए दोनों इक्वेशन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. हम बड़े सोच समझ कर जनरली एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन अप्लाई करके ही सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. कैसे हम निकालते हैं मैं समझाऊंगा. सबसे पहले आप इस चीज को लिखो. मैं अब अलग अलग तरह के प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम अभी दिखाऊंगा और उनके लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका बताऊंगा. इसे नोट डाउन. नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम. अब मैं प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अलग अलग केसेस बताता हूं और इन अलग अलग केसेस के लिए किस तरह से सेंटर ऑफ मास को सोचा जाए, किस तरह से देखा जाए, यह बात समझाता हूं. देखिए इफ वी हैव गॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर लेमिना, यूनिफॉर्म सर्कल, यह एक यूनिफॉर्म सर्कल है. फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कल वी यूज टू से वी कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ सिमेट्री. हम एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. इस सर्कल का जो सेंटर है दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री.
its center is point of symmetry. Now, what do you mean by point of symmetry? Point of symmetry means a point around which or about which mass is distributed uniformly. एक ऐसा point जिसके चारों तरफ mass बिल्कुल uniformly distributed हो, uniformly spread हो. यह center इस case में point of symmetry है. और यदि हमने point of symmetry ढूंढ लिया, यदि हमने point of symmetry समझ लिया, तो वही पॉइंट ऑफ सिमेट्री ही सेंटर ऑफ मास होता है. एक यूनिफॉर्म सर्कल के लिए हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है. हम कहेंगे इसका ही सेंटर ऑफ मास होगा. इसी तरह से इफ वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर लेमिना, यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है, अ यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट. दिस इज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट. हम कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं. ऑल्दो इस बार हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगा, ध्यान रहे इस स्क्वायर का भी सेंटर है, मगर वह सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा. पॉइंट ऑफ सिमेट्री वह पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ हो. सर्कल के लिए उसका सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, मगर इस स्क्वायर के लिए इसका सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है. मगर फिर भी हम सेंटर ऑफ मास उस सेंटर को कहेंगे. कैसे कहेंगे, इस लॉजिक को समझो. हम कहेंगे फॉर दिस स्क्वायर वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ एक्सेस ऑफ सिमेट्री. हम इसके सेंटर से पास होती हुई यह एक्सेस, इसे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहेंगे. दिस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस ऑफ सिमेट्री? एक्सेस ऑफ सिमेट्री मीन्स दैट एक्सेस जिसके दोनों तरफ मास यूनिफॉर्मली या और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक्सेस के इस तरफ मास और एक्सेस के इस तरफ मास बिल्कुल बराबरी से फैला हुआ. हम कहेंगे दिस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री. नाउ इफ वी कुड आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देन वील से दैट सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली लाई ऑन दैट एक्सेस ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ मास इसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर कहीं ना कहीं होगा. इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर वो यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर होगा इसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री. अब क्या सिर्फ यही एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम ढूंढ सकते हैं? नहीं, एक और इसी तरह की एक्सेस ढूंढी जा सकती है. हम कहते हैं इस स्क्वायर लेमिना पर हम इस तरह से भी एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. यह भी एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है. इस एक्सेस के ऊपर और इस एक्सेस के नीचे मास सिमेट्रिकली फैला हुआ है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. I'll say center of mass should lie on this axis as well. अब हम कहते हैं since this is the axis of symmetry, इसलिए center of mass इस axis पर होना चाहिए. This is also axis of symmetry, इसलिए center of mass इस axis पर भी होना चाहिए. Center of mass इस axis पर भी हो और center of mass इस axis पर भी हो, इन दोनों axis के साथ common point सिर्फ एक ही है. There is only one point which is lying on both this axis and that is this center. This center C is lying on this axis as well as on this axis. And this is the only point.
इसके अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं जो इस एक्सेस पर भी आता हो और इस एक्सेस पर भी आता हो। हम कहेंगे दैट्स वाई दिस सेंटर ऑफ मास मस्ट बी द सेंटर, यह सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। इसी बात को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं, इस यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना के लिए हम सेंटर ऑफ मास एक और तरीके से हम सोच सकते हैं, हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री डायगनली भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस डायगनल एक्सेस, यह जो डायगनल एक्सेस है यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाए करना चाहिए। इसी तरह से हम इधर भी एक एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाए करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास वुड लाय ऑन दिस एक्सेस एज वेल एज सेंटर ऑफ मास वुड लाय ऑन दिस एक्सेस। देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन टू बोथ एक्सेस एंड दैट इज दिस सेंटर, यह सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हम कहते हैं किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री लोकेट कर सकें तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर सेंटर ऑफ मास होता है। यदि हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री लोकेट कर लिया तो सारा काम ही खत्म हो जाता है, जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। यदि हम स्क्वायर लेमिना के अलावा यदि हम रेक्टेंगुलर लेमिना ले तो रेक्टेंगुलर लेमिना लेकर भी सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन इसी लॉजिक के द्वारा हम कहेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मस्ट बी द सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं इफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर लेमिना रेक्टेंगुलर लेमिना मीन्स रेक्टेंगुलर शीट, जैसे कि आपकी नोटबुक, यह नोटबुक इज अ जनरली अ रेक्टेंगुलर। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल साधारण सी बात है, इसके लिए एक तो यह एक्सेस ऑफ सिमेट्री कही जाएगी और दूसरी यह एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री कही जाएगी, यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री और यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाए करना चाहिए और सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाए करना चाहिए। यदि सेंटर ऑफ मास इन दोनों एक्सेस पर लाए करना चाहिए तो इन दोनों एक्सेस के लिए तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है एंड दैट इज दिस, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। या फिर हम इस तरह से कहें कि यदि यह रेक्टेंगुलर लेमिना है तो इसकी लिए यह डायगोनल और इसके लिए यह डायगोनल, इन दोनों डायगोनल पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए और वह सेंटर ऑफ मास इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पर इस रेक्टेंगुलर लेमिना के बीच में इस जगह पर होगा। हम कहते हैं इस तरह के मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लॉजिक से ही हम इस तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग यह एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए हम सेंटर ऑफ मास कहां कहेंगे? हम कहते हैं इसके लिए तो हमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी देखने की आवश्यकता नहीं है, वंस अगेन इसके लिए तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है? द सेंटर।
द सेंटर इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री. और यदि हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल गया तो सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है. जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है. हेंस इट्स सेंटर ऑफ मास. Hence, it's a center of mass. इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास. अब इधर एक बात और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी. यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट वेयर एक्चुअली नो मास इज देयर. वाकई में इस जगह पर कोई मास नहीं रखा है, मगर सेंटर ऑफ मास इधर ही है. सारा का सारा मास है कहां पर? सारा मास तो इस रिंग की पेरिफेरी में इधर है. सारा का सारा मास इस रिंग की पेरिफेरी में कहीं इधर है, इस जगह पर. क्या कोई मास इसके सेंटर पर है? नहीं. मगर यदि इस मास सिस्टम का हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो हम सेंटर कहेंगे. आई मीन टू से दिस इज अ केस, दिस इज अ सिचुएशन वेयर सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर देयर इज एक्चुअली फिजिकली नो मास. एक्चुअली इस जगह पर कोई मास नहीं है, मगर इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है. मतलब इस पूरी रिंग को हटा के यदि इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट करा जाए तो उस पॉइंट मास को हमें सेंटर पर रखना होगा. सेंटर पर रखे हुए उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इस रिंग का पूरा बिहेवियर. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम. इन सभी केसेस में हमें इस तरह से कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है. अब मैं कुछ ऐसे मास सिस्टम बताऊंगा जिनके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और फॉर्मूला अप्लाई करके ही हम सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर पाते हैं. जैसे फॉर अ सेमी सर्कुलर मास, इफ वी हैव गॉट सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास m, सेमी सर्कुलर वायर हूज मास इज m and radius is r. मैं वायर बनाता हूं. This is a semi-circular wire, a uniform semi-circular wire. यह एक uniform semi-circular wire है. मैं इधर ब्रैकेट में यूनिफॉर्म जरूर लिख दूं. इसका मास m है और इसका रेडियस r है, और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास समझना है. देखिए, जब हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होता है, हमें मास सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को सोच समझ कर चूज कर ले. सही तरीके से यदि हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करेंगे तो सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा. अब इस जगह पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करता हूं. मैं कहता हूं इस डायमीटर के अलोंग
हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्स डैश, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर के सेंटर से पास होते हुए, और इस तरह से हम वाई एक्सिस ले लें, इसको रेफरेंस ओरिजिन हैं। हम सबसे पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेने का फायदा क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेने से हमें एक बात बिल्कुल साफ दिखने लगी कि वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यदि वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक बात बिल्कुल साफ है, सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस, हेंस सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन वाई एक्सिस। सेंटर ऑफ मास लाई ऑन वाई एक्सिस। अब यदि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज फाइनाइट। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहीं इधर होगा, कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होएगा, जिसे हम देख कर तो नहीं बता सकते, मगर यह बात पक्का है कि वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही कहीं होएगा और वो कहीं बीच में कहीं इधर होगा, और उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना है, उसका हमें वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है जो कि फाइनाइट है। अब हम कहते हैं जब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली और एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी उससे समझ लिया, अब हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई करना, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए अब हमें जो इक्वेशन अप्लाई करना है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि फाइनाइट है इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें यह इक्वेशन अप्लाई करना है। इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है यह काम हम अब सीखते हैं। देखिए इसे नोट डाउन कीजिए, पहले